हनुमा यादव को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, और जिस सिद्धत के साथ आज के दौर की बड़ी गायिका बन के उभरी है, आप जब उसे सुनेंगे तो आपको यकीनन लगेगा कि भोजपुरी की माटी के अंदाज उसने बड़ा उछाल के रखा है। यकीनन ये जो लंबा लड़का है भाई साहब, कौन सा है? अपना लड़का है, अपना वाला है। ए भाई साहब, सुनते उनते नहीं हो क्या? बैठ जाओ। तो जिस लड़की को मैं खड़ा करूं, कम दिनों में सबसे ज्यादा घरों में बजने वाली गायिका बनकर उभरी है। इसके गीत को सुनने के बाद किसी को शुगर की बीमारी नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी देता हूं। अब आपको लगेगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं भूमिका में दो शब्द बोल करके इस भोजपुरी की गायिका को माइक सौंप रहा हूं। सबसे ज्यादा अंकुश राजा में किसी ने मजा लिया तो उनके पिताजी ने गाना गा लिया। नीचे बैठे थे, चश्मा से देख रहे थे, बेटा अच्छा एक्टिंग कर रहा है। एक बाप की सफलता का राज है कि उसका बेटा अच्छा करता है तो बाप का सीना धड़धड़ा है। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सजा देती है। मनपत भाई सुनना, शुगर खाने में मजा देती है, लेकिन अगर हो जाए तो सजा देती है। मैंने अपने मित्र से पूछा, तुम्हारी पत्नी तुझे रोज डांटती है, बोलती है, पतियाती भी है, फिर भी तू रिएक्ट क्यों नहीं करता? मेरे दोस्त ने कहा, रवि भाई, मेरी पत्नी को डॉक्टर ने मीठा बोलने से मना किया है क्योंकि मुझे डायबिटीज की बीमारी है। इसी बीच में रामू दौड़ के आया, कहा सेठ जी सेठ जी बधाई हो, क्योंकि बड़े भैया को पहले मूना हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने कहा, रामू तेरी मती गई मारी है। अरे पगले, शुगर बेटी थोड़े है, वो तो बीमारी है। रामू ने जो जवाब दिया, आपका कलेजा दहला देगा। रामू ने कहा, सेठ जी बधाई हो, पहले मूना भैया को बेटा हुआ था, अब शुगर हुई है। सेठ ने कहा, रामू तेरी मती गई मारी है। अरे पगले, शुगर बेटी थोड़े है, वो तो बीमारी है। रामू ने कहा, क्या फर्क पड़ता है सेठ जी, शुगर जिसको हो जाए तो बड़े लोग परहेज से मरते हैं, बेटी जिसको हो जाए तो गरीब लोग परहेज से मरते हैं। मैं खड़ा करना चाहता हूँ, ये लड़की कमाल की गायिका है। ये चांद सितारे सब तेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाए, पत्ते नहीं है हम, आंधी से कहो औकात में रहे। मैं उस औकात की गायिका को माइक दे रहा हूँ जो कमाल की है। आइए अनुपमा यादव एक धड़कनों में, क्योंकि रोज मैंने इसको कहा कि ये होली महोत्सव है, सरारा से शुरू करना। नवजिया बैद से शुरू करती है, अस्कामनी माँ का नाम लेके शुरू करती है, लेकिन नवजिया बैद का सफर मैं शुरू कराऊ अनुपमा से तो होली के सरारे पर ले जाकर ठहराऊंगा। क्योंकि रोज रुक जा, रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। ये वो चांद है जिस पर देख ले उसका चतरा बन जाए सहारा। ये वो चांद है जहां मुस्कुरा के आपसे बोल दे तो आप ताली बजाने पे मजबूर हो जाए। इस भोजपुरी की गायिका को एक लंबा उछाल के ताली दे दीजिए, ये आपकी दीवानी हो जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए अनुपमा यादव। हरी हरी ओढ़नी। अच्छा अच्छा, होली कौन कौन सुनेगा बताइए। की पाला जी जाजी होला, की पाला जी जाजी, की पाला जी जाजी होला, की पाला जी जाजी, की तारा खीसी मरवला हंगा में तला जी जाजी, की कोना कॉलेज में पहलू पढ़ाई साली जी, आजी जाजी लेकिन
समय चल रहा था जैसा लोग मिजाज में बने जो गिरा तो हुई में करी रवि रंजन भैया सारा रारा से शुरुआत तो करवे करे बाकी हमारे रवि रंजन भैया के फरमाइश है पहले पूरा कर देते हैं। रवि रंजन भैया के बड़ा प्यारा हम चाहे तान्या दीदी तुम नहीं करते तू मंच पे आ जा। रवि रंजन भैया के फरमाइश है कि मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की धरती पे कोई ऐसा नहीं है जिसने आज तक दिल किसी का टूटा ना है ना। कितने दिल तोड़ा सीखे ये बताइए और कितने धोखेबाज आ सीखे ये बताइए। धोखेबाज में कोई नहीं ना कि हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, कि हम बड़े थे मासूम बेलिहाज बन गए, वो धोखे धोखेबाज बन गए। कल आपका जन्मदिन नहीं था ना, चलिए बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। कि न बजिया मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, नबसिया मुझे दिल की बीमारी है। ध्यान दीजिएगा म्यूजिशियन की आवाज कम हो जाए मेरी उठा दीजिएगा शंकर भैया, आपके साउंड का जवाब नहीं, सबसे खूबसूरत साउंड है, बहुत ही अच्छा साउंड है और खासकर आप बैठे हैं तो फिर बात ही अलग है कि मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है।